My goal in coming here is not to apologize for what I consider to be a triumph against terrorism of unprecedented consequence. My goal in coming here has been to talk about how do we manage this important relationship. Clearly, DGISI की तरफ से ये उन्होंने अपने आप को पार्लियामेंट के सामने सरेंडर किया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मनाएं। हमारे आज मेहमान बल्कि मेरे को होस्ट ही बन चुके हैं ज़फ़र हिलाली साहब। कभी कभी नहीं आते तो हम मतलब फिर गेस्ट बुला लिया करते हैं। आज मेरे साथ हैं ज़फ़र हिलाली साहब। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से। हिलाली साहब, क्या हम ये रिलेशनशिप अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिकन के साथ? मेरे ख्याल में कि बेहतर होता कि हम जब हमें पहले पता चला और वो 1965 में था कि हमें उन्होंने ड्यूरिंग द वॉर इमदाद उन्होंने मिलिट्री एड ख़त्म कर दिया एज एन एलाई, उस वक्त हमें सोचना था कि चलो यार इस जंग के बाद हम सोचते हैं कि अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। आज तक हमें वो सोचा नहीं है। मगर अगर मैं मॉडर्न टाइम्स में थोड़ा सा आऊँ और आपको पूछूँ कि गेट्स, देखिए शर्म की बात हम कह रहे थे, गेट्स जो है उनका डिफेंस सेक्रेटरी का मुझे बड़ा अफसोस होता है पाकिस्तान के लिए। उनकी जो ह्यूमिलिएशन हमने की है उन पे मेरा बड़ा अफसोस हो रहा है। वो कह रहा है कि हमने उनको ह्यूमिलिएट, लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया ह्यूमिलिएट किया, और हमने उनको बता दिया कि जब मर्जी विद इम्प्यूनिटी उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया वी कैन एंटर पाकिस्तान। अब एक तरफ से गेट्स आपके लिए अफसोस करें, दूसरी तरफ से IMF कह रही है आपको कि हाँ हम तुम्हें इमदाद देंगे, हाँ हम तुम्हारा वो 1.7 बिलियन जो इस साल देना था वो भी हम देंगे, मगर हम आपको एक तो मशवरा देना चाहते हैं, प्लीज़ अगर आप कोशिश कर सकते हैं टू लिव विद इन योर इनकम। माने हमें IMF और वाशिंगटन जाके सीखना पड़ा, सुनना पड़ा कि आप, हाँ कि आप प्लीज़ लिव विद इन योर इनकम, कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर साइज़, पैसे वेस्ट ना करें। What do you think of a country? What do you think of an establishment and a ruling class? जो ये बातें सुन के थैंक यू कहती है, थैंक यू कहती है और वापस आती है। हिलाली साहब क्या करें, चाइना से दोस्ती करें, एक रुपया नहीं दिया इस तक। क्यों आप देखिए, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है क्या, माने क्यों ज़रूरत है? देखिए एक सेकंड हिलाली साहब, हमें या तो तमीज़ की ज़रूरत है और हमारे सारे अमीर लोग जो हैं वो अपने टैक्स दें, सारे गरीब लोग जो हैं वो अपनी इनकम रिपोर्ट करें, जहाँ जहाँ से चीज़ें खरीदते हैं वहाँ से रसीदें लें, 17% रिटेल टैक्स दिया जाए, या तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अब वो तो क्योंकि मिलने नहीं वाला, लिहाजा फिर हमें पैसों की ज़रूरत है। नहीं तो ये तो बड़ा जल्दी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो नहीं मिलने वाला, माने जो चीज़ आप कर सकते हैं खुद वो आप करने के लिए तैयार नहीं है, भीख मांगने के लिए आप चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एम इन एग्रीमेंट विद। नहीं बट यू स्कॉ यू वेंट ओवर ग्लॉस्ड ओवर दैट वेरी क्विकली, ग्लॉस्ड ओवर वेरी क्विकली बिकॉज़ इट डज नॉट सीम टू हैपन, इट डज नॉट सीम लाइक इट्स गोइंग टू हैपन। मतलब आप सियासत कर लेते हैं इस चीज पे। 9 का आपका GDP टैक्स रेशियो है, टैक्स टू GDP रेशियो, इससे कभी बढ़ने वाला नहीं है। मुशर्रफ साहब ने बाय डंडा उन्होंने बढ़ा लिया था, तो मतलब जिस तरह भी किया था, सेल्स टैक्स वालों को उन्होंने अरेस्ट करना शुरू किया था, एक लेवरेज दी थी कि जी रिपोर्ट करनी है। मैं आपको बताता हूँ, बढ़ाना है ना आपको, वो डंडे वंडे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लैम्प पोस्ट बहुत हैं इधर, वो वायर्स के पोल्स बहुत हैं। 4 टैक्स पेयर्स जो अब टैक्स नहीं देते उनको टांग दे उस पर। मैं कहता हूँ जितना वॉलंट्री टैक्स डिक्लेरेशन होगा आपको अमेरिका के पास कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। 4 को आप टांग दें, एक इकोनॉमिक क्राइम का एक लॉ बनाए कि जो आदमी 1.5 लाख से कम टैक्स ओ करता है और नहीं दिया है बाय अ सर्टेन डेट, उसको डेथ सेंटेंस मिलेगा। बस ये कर दें आप, मैं आपको कहता हूँ इतने पैसे इधर हो जाएंगे कि कोई हद नहीं है, आपको कभी अमेरिका के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। कभी कभी बुरे लोगों से भी सवाल होगा मेरे और आपके खिलाफ के जी शरीफ लोग हैं लेकिन मतलब ज़रा बातें ज़्यादा करते हैं तो इनको भी ज़रा टांग दो, मतलब ये टांग दें। नहीं अगर आप 1.5 लाख टैक्स नहीं दिया है आपने तो टांग दें, मतलब यस तो लॉ होगा ना, छपा होगा, एक साल की एमनेस्टी भी दे दें कि वो पढ़ लें। कोर्ट्स में गए हमारे सर? या बिल्कुल मैं गया हूँ। देखा है जस्टिस कितना सर्व होता है, ऐसे कवानीन से फिर कितने लोग टांगे जाएंगे, वो कितने उनमें से मासूम होंगे और कितने उनमें से वाकई में टांगने के हकदार हैं। नहीं वो कोई गलत नहीं टांगे जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है जी। आप एक टैक्स ऑफिस से एक रिसीट लाएंगे, अब वो रिसीट वेरीफाई होगा, वो खुद मानेगा कि हाँ जी, वो खुद कहेगा कि हाँ मैंने नहीं दिया, एक्सक्यूज देगा, मगर जब तक वो
वो जो रोप जो है वाइल इट इज़ गोइंग अप वो एक्सक्यूज़ देता रहेगा चार को. आप मैंने आपको एक कहानी बताई थी इस शो पे आपकी कि सदाम हुसैन ने क्या कहा था टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ मीट. जब उसने बुचर्स को कहा था बगदाद से मैं आपको गोश आपके हाथ में ला के दूंगा और साथ साथ आपके पास 27 रुपया था किलो 3 रुपया मुनाफा भी दूंगा, प्लीज़ अब आप इसको 30 रुपये से ज़्यादा ना बेचें. मान गए. उन्होंने कहा हाँ जी हाँ बिल्कुल. जब वो लाया और उनको दिया तो पहले दो हफ्ते के लिए तो तीसरा, फिर 40 हो गया, फिर 45 हो गया. जब उसको ये पता चला तो उसने अपने इंटेलिजेंस को भेजा था और कहा कि उसी हुक पे जिधर वो बकरी टंगी हुई है या वो क्या गाय टंगा हुआ है उसी हुक पे वो आप कसाई को टांग दे. कभी उसके बाद 14 साल में उसको कभी गोश्त की कीमत की प्रॉब्लम नहीं हुई. साहब आप सदाम हुसैन का एग्जांपल दे रहे हैं सर. तो सीखे उनसे. एवरीबॉडी यू लर्न समथिंग फ्रॉम एनीबॉडी. यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम स्टालिन. यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम योर बिगेस्ट एनिमी. व्हाई नॉट लर्न समथिंग. आप कहते हैं इन ऑल सीरियसनेस हमारी कौम को चलाने का तरीका है इज बाय लटकाना डराना. एक्शन बाय एक्शन नॉट वर्ड्स. मतलब नॉट स्पीचेस. बातें नहीं. नॉट रेजोल्यूशंस. वर्ड्स. सॉरी आई मीन एक्शन. मारे थोड़ा सा लटका. देखिए कैरेट एंड स्टिक ना. कैरेट तो आपके पास है ही नहीं तो स्टिक ही चलें. स्टिक से चलाएं ना. कुछ तो करें. मैं फिर मिसाल देता हूँ साहब. ये गवर्नमेंट अपने आप को सपोर्ट कर नहीं सकती. इतनी वीक है. और ये अपना पूरा टर्म अब गारंटीड है आफ्टर दिस पाशा साहब कमिंग टू द पार्लियामेंट एंड नवाज शरीफ साहब सरेंडरिंग हिमसेल्फ टू हिज ओन आइडियाज. ये मतलब मिनिमल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती अगर रेजिस्टेंस हो. हर आदमी को स्टेक होल्डर बना के अपने साथ लेके चलती है. आपके ख्याल में ये कवानीन ऐसे बदल के चला सकेगी? नहीं ये गवर्नमेंट तो नहीं. मगर इस गवर्नमेंट में से अगर वो कानून होता तो 90% वुड बी हैंगिंग. वही मैं आपको कह रहा हूँ. दिस इज द प्रॉब्लम. तो कौन बनाएगा कानून सर? फौज. आप पब्लिक के पास यानी यू कीप सेइंग पब्लिक पब्लिक ना. तो आप रेफरेंडम करा दें इस कानून पे. आप देखें क्या रिजल्ट आता है इस पे. आप रेफरेंडम करा दें कि टैक्स इवेडर्स जो होते हैं मोर देन 1.5 लाख टैक्स चाइना तो करके उनको गोली मारता है. अमेरिका गोली मारने की ज़रूरत नहीं. वो गोली हराम करने की भी ज़रूरत नहीं. आप इनको टांगें. आप ट्रैफिक लाइट्स आप मुझे दे दें दो चार सड़क से. एक मैजिस्ट्रेट दे दें. चार आदमी दे दें बेथ के साथ. ठीक है. मैं देखिए वो किस किस्म की वो ट्रैफिक लाइट इधर से कभी क्रॉस नहीं करेगा. ज़ियाउल हक कर ही नहीं सकता था. ज़ियाउल हक वाज अनदर कम. आई मीन यार देखिए ये दिस इज़ नॉट इन आवर जीन्स. हम इनेटली ये हमारे लिए फॉरेन है. लातों के भूत. क्यों क्या होता है पाकिस्तानी को कि बाहर जाके क्यों करता है इस मुल्क में क्यों क्यों नहीं करता है? आप मुझे बता दें. आप जाके लंदन एयरपोर्ट पे देखें जब पाकिस्तानी अंदर जाता है अपना ग्रीन पासपोर्ट लेके एग्जाम एक लाइन में खड़ा होगा. इधर उधर नहीं होगा. आ जाएं आप कराची एयरपोर्ट देखिए वो पाकिस्तानी कूद रहे हैं एक एक पर लबक लबक के जा रहे हैं एक एक के ऊपर से कि ब्रेक द लाइन. व्हाई व्हाई वी कैन डू इट. तो इंग्लिश उनको मारते तो नहीं? नहीं उनको वापस भेज देते हैं विच इज़ वर्स. मार तो बहुत खा लेते हैं अंग्रेज के साथ. अगर उनको वापस नहीं भेजते उधर देखते हैं वो कहते हैं बैक ऑन टू द प्लेन वन ऑफेंस बैक. 5 साल आपको अगर ब्रिटिश सिटीजन बनना है तो 5 साल आपको एक पार्किंग टिकट भी नहीं मिल सकता. अगर 5 साल के अंदर अंदर जैज यू आर क्वालिफाइंग विद अ वैलिड रेजिडेंस परमिट फॉर सिटीजनशिप अगर आपके 5 साल की पार्किंग टिकट भी हो फिर वो 5 साल फिर शुरू हो जाता है. मतलब इस तरह तमीज सिखाई जाती है? सिखाई जाती है. कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए आपके एक्शंस के. श्योरली कोई कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए. इधर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है. क्या है बरादरी सिफारिश ज़ात आई मीन रिश्वत दैट्स इट दैट्स ऑल दैट काउंट्स हियर. कोर्ट्स में भी आ जाएं लोअर सिविल कोर्ट्स में जाएं वही काउंट करता है. मैं आपको क्या बताऊं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा. मेरे खुद मेरे साथ क्या हुआ है आप यकीन करें कि एक एम्बेसी इस मुल्क में मेरे चाचा के घर पे बैठी हुई है क्लेमिंग डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और 5 साल तक हम सब एज को उन्होंने पैसे नहीं दिए. और जब हम जज के पास 2 जज इजेक्टमेंट ऑर्डर्स दे दिया उनके खिलाफ वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्लेम किया. और वही फॉरेन ऑफिस जिसमें मैंने 37-38 साल सर्व किया है मेरे बाप ने किया है मेरे चाचा ने किया है बड़े ओहदों पे वो फॉरेन ऑफिस कुछ नहीं करती है डरती है. इस्तस्ना है. और दूसरा वो गोरे हैं. अफसोस है अगर अफ्रीकन मुल्क होता तो चढ़ जाते उन पर मगर गोरे हैं. ये कुछ है हमारे में एक किस्म की गुलामी जो है ये आ गई है. मैंने 2 साल ऑफ
200 years of colonialism, आखिर कुछ तो छोड़ा होगा, ये गया नहीं है अभी तक। हिलाली साहब की आपने बातें सुनी, आप पाकिस्तान अमेरिका डायलॉग, हमारी गलतियां तो आपने सुन ली, अमेरिका की ज़रूरत, अमेरिका के साथ डायलॉग, अमेरिका के साथ मतलब मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम गुफ्तगु करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सियासत मनाएं, हमें अगर अपनी राय से आगाह करना है तो SMH@CNBCPakistan.com पर लिख के भेजिए। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।